गैस एजेंसी के करिंदे दे नाल लुट का मामला सामने आया जदों ओह अपने रिश्तेदारां नूं स्टेशन तो छड़ के वापिस आ रहा सी तां रास्ते दे विच पहलां तां उस दे उत्ते हाकियां दे नाल हमला किया गया। हालांकि हमला करन तो बाद उसकी स्कूटी लैके जो बदमाश सी ओह मौके तो फरार हो गए। तां कहा जा रहा है कि उस दे विच कुछ नकदी भी सी जिसनों वह अपने नाल लै गए। पर हैरानी वाली गल यह है कि जो बदमाश फरार होए तो जिस बाइक के उत्ते आए थे उसनू अते उसकी स्कूटी नू लैके फरार होंगे ने, पर कहा जा रहा है कि जिवें ही वह अगे जाते हैं तो बदमाशों के बाइक की टक्कर किसी होर दे नाल हुंदी है तो उत्थे अपना बाइक सुट के वह स्कूटी के उत्ते ही फरार हो जाते हैं। तो मामला जलंधर तो सामने आया जिथे कि दिन दिहाड़े इस वारदात को अंजाम दिता गया। हालांकि जो गैस एजेंसी का करिंदा है उसका कहना है कि जो यह वारदात हो रही थी तो कुछ लोग उतों की निकल रहे थे, उसने शोर भी मचाया पर किसी ने भी उसकी कोई मदद, जिस कारण उसका वड्डा नुकसान होया है। तो स्कूटी ही खो के जो बदमाश से वह मौके तो फरार हो गए हैं। फिलहाल इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है तो पुलिस के वलों भी हूँ इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। आले दुआले लगिया सीसीटीवी फुटेज में भी खंगालिया जा रहा है क्योंकि सवेर की एक घटना दसी जा रही है जिथे कि एक गैस एजेंसी के करिंदे दे नाल ए लुट दा मामला सामने आया है। अपने रिश्तेदारों नू गया था स्टेशन पर चढ़ाने के लिए, वहाँ से मैं वापस आ रहा था। ये पल्टन पार्क के पास उन्हें पहले हॉकी नाल मेरे हाथ पर वार किया, लकड़ी का। फिर मुझे अच्छी बार रुकना पड़ा, फिर जैसे अच्छी बार रुका तो उसने जेब में हाथ मारा, जेब में 200-300 पड़े, जेब में था। समय कितने बजे का था? समय 5:30 बजे का था। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं स्टेशन से वापस आ रहे थे करा करके गाड़ी पर, तो वहाँ पर आया उसने तेज हथियार से बहुत मेरे पर हमला करने लगा। वहाँ से पलटन पर कई आदमी जा भी रहे थे, मैं हल्ला भी किया कि बचा लो, लेकिन कोई डर के मारे उसके चोर ने सिर के साथ देने के चक्कर में किसी ने बचाया। फिर वो एक्टिवा लेके मेरा, जब देखा आदमी ज़्यादा हो गया तो एक्टिवा लेके वो मेरा एक्टिवा और मोटरसाइकिल लेके भाग गया। और जब भागने की कोशिश किया, जब मैं उसके बाद मैं अपने मालक को फ़ोन किया, फिर सिविल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया और वहाँ पर पर्चा दे आया। उसके बाद मैं थाना नंबर 2 में अपना दरखास्त लिख के दिया हूँ, वहाँ पर रिपोर्ट कराया हूँ। कितने बजे? ये करीब 7 बजे के तकरीबन। फिर वहाँ से मैं जब वापस आ रहा था तो मैं अपने बंदे साथियों को दिखा रहा था, मेरे को यहाँ पर वारदात हुआ है। इतने दिन में हमारे रोज पारा के लोग जो हम सिलेंडर की सप्लाई करते हैं, हमारी जान पहचान था, उसने बोला तेरे साथ वारदात हुआ। मैं बोला हाँ, बोला वहाँ पर गली में मोटरसाइकिल पड़ा है, जाके देख। वही मैं आया तो पहचान हुआ वही मोटरसाइकिल है। मौके पर ये भी पता चला भी जो चोर लोग लुटेरे आए थे वो आप लोगों की जरी गाड़ी लेके चले गए और अपने वाला मौके पे जोड़ा मोटरसाइकिल छोड़ के चले गए। वो भागने लगा, गली में टकराया कुछ की बात, उसके बाद मुझे 7 बजे पता लगा कि यहाँ पर टक्कर मारी और मोटरसाइकिल वहाँ पर। हमला करने वाले कितने शख्स है? 2 है। शक्ल जानते हो उनकी? शक्ल एक ने सरदार सी का पागड़ी बननी था, पटके मुंह में रुमाल बांधा हुआ था। एक नौजवान था कि जो कि मेरे थोड़ा हाइट में ज्यादा था, कटा थोड़ा सा। तुमके पास और कौन से हथियार थे? एक तो सिर्फ बाइक पर बैठा था, एक उस जो सरदार था जो मुझे पटका बना था उसी के पास छोटी था कृपा दोनों हथियार। अच्छा, आपने मौके पे पुलिस को सूचना दी? मौके पर नहीं, मैं मौके पर आगे मैं वहाँ से डर के मारे भाग के मैं घर अपने रूम पर गया। हाँ। फिर उसके बाद मालक को फोन किया, मालक साथ आया, फिर सिविल हॉस्पिटल गया। रहते कहाँ पर? नहीं, अभी आपने पुलिस को सूचना दी अभी कि नहीं? हाँ, अभी सूचना दी है, पुलिस आई है, वो मोटरसाइकिल यहाँ से जो था वो अपना उठा के ले गए। तो पुलिस ने कोई और कैमरे वगैरह खंगालने की कोशिश की जाए? वो कहता पहले हम MLI का रिपोर्ट सब आने के बाद खंगालूंगा। फिर एग्जैक्ट कितने बजे का टाइम होगा जब गली में ये घुसे हैं? अभी तो तकरीबन अभी ये गए हैं, फिलहाल समझ लो यही 9:15 बजे की बात है, 9:30 बजे गए हूँ। जी, तो ये बात की जाए तो इतना जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, इतना बदमाशी जो फैल रही है, तो किसका कारण समझते हो, किस कारण से? सर, मैं तो समझता हूँ कि इनके कसूर नहीं है, सिर्फ पुलिस मुलाजिम के कसूर, सभी का मान के चलो। इसमें सबसे मेन मुद्दा है कि सरकार जब सख्ती करे तो सब कुछ होगा। इतना क्लेम आजकल चोर बाजारी इतना बढ़ गया है कि दिन दोपहर ही मान के चलो हम लोग सिलेंडर कैसे घर में देने देते हैं, हमारे पास कैश होता है, कुछ होता है, कल कैसे हम लोग। आपकी मांग क्या है अभी? मांग करना है कि हमारे एक्टिवा मिल जाए, उस पर कार्रवाई सब कुछ सब, तो जो आप पकड़ा जाए तो उसके ऊपर।
सर की नाम जी आपका? सर अज मौके पर पहुंचे हो, की कहना चाहते हैं? जी ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਈ।